Hello and good morning, class 3rd students. How are you? I hope you all are fine. और आप लोग अच्छे होंगे घर पे, आपकी स्टडी कंटिन्यू चल रही होगी और जो भी वर्क पीडीएफ से आते हैं तो आप अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट कर रहे होंगे. ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई टीच यू सब्जेक्ट एसएसटी और एसएसटी में आज हम रीड करेंगे हिस्ट्री एंड द लेसन इज लेसन 10 एंड द लेसन नेम इज व्हाट द गवर्नमेंट डज फॉर अस. आज हम एसएसटी में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेसन 10 एंड लेसन का नेम क्या है कि व्हाट द गवर्नमेंट डज फॉर अस. गवर्नमेंट मतलब जो सरकार है वो हमारे लिए क्या करती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. एंड टुडेस टॉपिक इज, इसमें टॉपिक क्या क्या है, व्हाट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड करती है और टैक्सेस के बारे में हम रीड करेंगे. ओके लेट्स बी स्टार्ट. सबसे पहले आप अपनी बुक में पेज नंबर 83 में देखोगे कि हियर आर सम थिंग्स दैट आर फाउंड इन मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज. कुछ पिक्चर है यहाँ पे जो अधिकतर टाउन्स और सिटीज में पाए जाते हैं. टिक द वंस दैट यू हैव सीन. तो आपको उसमें टिक करना है जो जो आपने, जैसे आप बांसवाड़ा में सिटी में रहते हैं तो आपने यहाँ पर वो सब चीजें देखी है, तो उन सब चीजों को आप क्या करोगे, टिक करोगे. ओके ओके नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक, व्हाट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स. ऑल द थिंग्स दैट यू सी इन दिस पिक्चर आर यूजली प्रोवाइड बाय फॉर अस बाय द गवर्नमेंट. और उस पिक्चर में आप जितने भी पिक्चर देख रहे हो, थिंग्स को देख रहे हो, सारी फैसिलिटी किसके द्वारा प्रोवाइड की गई है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है. एंड दे आर प्रोवाइड फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. और ये इंडिया में रहने वाले जितने पीपल हैं, जितने लोग हैं, उन सभी के लिए क्या की जाती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, उपलब्ध करवाती है. एंड द गवर्नमेंट डज मेनी थिंग्स फॉर अस सच एज. और गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारा काम करती है. वो क्या काम करती है, इस बुक में हम, इस लेसन में हम रीड करेंगे. फर्स्ट ऑफ, इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू मेक द लाइफ ऑफ द पीपल बेटर. सबसे पहले ये हमें सर्विस यानी नौकरी देती है ताकि लोगों का लाइफ क्या हो सके, पीपल का लाइफ क्या हो सके, बेटर हो सके, अच्छा हो सके. बसेस, ट्रेन्स, पार्क्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स आर ऑल सर्विस दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर द पीपल. अब गवर्नमेंट हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है, बसेस, ट्रेन प्रोवाइड करती है, पार्क प्रोवाइड करती है, रोड बनाती है गवर्नमेंट हमारे लिए, हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है. ये सारी सर्विस हमें किसके द्वारा प्रोवाइड होता है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड होता है. और इंडिया में रहने वाले सारे पीपल के लिए, ऐसा नहीं कि उसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं, सारे पीपल इक्वल है. वी ऑल शेयर दिस सर्विसेज. और हम लोग सारे इस सर्विस को क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं. सेकेंड है, इट लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर. और ये हमारे देश में कानून व्यवस्था को देखती है. लॉ एंड ऑर्डर मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज द पीपल ऑफ इंडिया, द इंडियन पब्लिक कैन लिव एंड वर्क पीसफुली. गवर्नमेंट यह देखती है कि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो कैसे रहें, शांति से रहें. द पीपल हु कमिट क्राइम्स आर कॉट एंड पनिश्ड. जो लोग क्राइम करते हैं, है ना, उन लोगों को क्या करती है, गवर्नमेंट पकड़ती है, उनको सजा देती है, यानी पनिश करती है. एंड द पुलिस फोर्स हेल्प द गवर्नमेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. और पुलिस फोर्स क्या हेल्प करती है, अब हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्प करती है. कहीं पे कुछ क्राइम होता है, कहीं चोरी हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो किसके, हम किसके पास जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं. तो पुलिस हमें क्या हेल्प करती है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, एन इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू लुक आफ्टर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, विच मीन्स दैट द गवर्नमेंट गार्ड्स द कंट्री अगेंस्ट एनीवन हु माइट विश टू अटैक इट. द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स हेल्प द गवर्नमेंट टू डिफेंड द कंट्री एंड दीज आर कॉल्ड द डिफेंस सर्विसेज. उसके बाद गवर्नमेंट हमारे देश की रक्षा करती है. किस तरह से रक्षा करती है, अपनी कंट्री की, अपनी कंट्री की रक्षा करती है. इसका मतलब कि वो गार्ड, पहरेदार बनाती है. पहरेदार कौन है, जो आप देखते हो कि नेवी में रहते हैं, आर्मी में रहते हैं, एयरफोर्स में रहते हैं. अगर कभी चाइना से अटैक हुआ, पाकिस्तान से अटैक हुआ, अदर कंट्री से जब अटैक होती है हमारी कंट्री पे, तो ये जो सर्विस वाले होते हैं उनसे लड़ाई करते हैं और हमारी क्या करते हैं, हमारी कंट्री की रक्षा करते हैं. और अगर वो वहां पे नहीं करेंगे तो बाहर वाले दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में अटैक करेंगे और वो हमारे लिए क्या रहेगा,
हार्मफुल रहेगा। तो जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये कौन सी सर्विसेज कहलाती है? डिफेंस सर्विसेज। यानी डिफेंस मीन्स क्या? रक्षा करना। तो ये डिफेंस सर्विसेज क्या क्या है? आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इंडिया है 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डू टू ऑल द वर्क्स दैट इज नीडेड दीज आर। इंडिया के गवर्नमेंट में 3 लेवल की गवर्नमेंट है। कितने लेवल की गवर्नमेंट है? 3 लेवल की गवर्नमेंट है। फर्स्ट ऑफ है सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेकेंड है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। फर्स्ट आ गया आपका सेंट्रल, सेकेंड है स्टेट एंड थर्ड है लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑफिस होती है वो इंडिया की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहां पे इसकी ऑफिस होती है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री। वन ऑफ इट्स मेन रिस्पॉन्सिबल इज डिफेंस। और इसका काम क्या होता है कि अपनी कंट्री के सारे लोगों की क्या करना है? देख रेख करना है। और इनका मेन काम, मेन एम होता है, इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिया कंट्री की क्या करना? रक्षा करना, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद द स्टेट गवर्नमेंट, ऑल द स्टेट्स हैव देयर ओन गवर्नमेंट्स। सभी स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। जैसे हम कौन से स्टेट में है? राजस्थान में। तो राजस्थान की अपनी गवर्नमेंट है एंड देयर मेन ऑफिसेस आर द कैपिटल ऑफ ईच स्टेट। और इनका मेन ऑफिस कहाँ होता है? जो हमारा कैपिटल हो। हमारा राजस्थान का कैपिटल जैसे जयपुर है, तो इसकी मेन ऑफिस कहाँ रहेंगे? जयपुर में रहेंगे। एंड स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर। और स्टेट गवर्नमेंट क्या देखती है कि उसके स्टेट में, उसके राज्य में वहां का लॉ ऑर्डर, कानून व्यवस्था क्या हो? अच्छी चले। फिर है थर्ड नंबर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, टाउन सिटीज हैव गवर्नमेंट टू। टाउन्स में, सिटीज में गवर्नमेंट होती है। एंड दीज आर कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स एंड दीज प्रोवाइड सर्विसेज लाइक पार्क, स्कूल एंड हॉस्पिटल। जैसे हम लोग कौन सी सिटी में रहते हैं? बांसवाड़ा सिटी में रहते हैं। तो बांसवाड़ा सिटी में जो यहाँ पे है नगर पालिका, वो क्या करती है? हमको पार्क अवेलेबल करवाती है, स्कूल अवेलेबल करवाती है, हॉस्पिटल प्रोवाइड करवाती है। तो इन सब चीजों को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने देखा जाता, तो उसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ओके। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी जो उसका काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री एंड वन ऑफ इट्स मेन रिस्पॉन्सिबल इज डिफेंस, देश की रक्षा करना। स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड हमें कराती है जिस भी सिटी टाउन्स में पार्क, स्कूल एंड हॉस्पिटल हमें प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टैक्सेस। टैक्सेस क्या होता है? कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके पापा को जस्ट एज योर पेरेंट्स नीड मनी टू गिव यू द थिंग्स यू नीड, इन द सेम वे गवर्नमेंट टू नीड मनी टू वर्क फॉर द पीपल। कभी आपको कुछ काम हो तो आप पैसे चाहिए तो उसके लिए पापा आपको पैसे देते, उसी तरह गवर्नमेंट को भी कुछ काम के लिए लोगों से क्या करने पड़ते हैं? पैसे लेने पड़ते हैं, मनी लेनी पड़ती है। एंड दिस मनी कम्स फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू अ मेथड कॉल्ड टैक्सेस। और ये पैसे जिस तरह से गवर्नमेंट के पास आती है, ऐसा नहीं कि हम जाके उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसे देते, उसकी क्या होती है? कुछ प्रोसेस होती है, कुछ मेथड होते हैं कि आपको क्या करना है। आप सुनते होगे कि टैक्स भरना है मुझे, तो ये पैसे गवर्नमेंट के पास जाती है और ये क्या कहलाती है? टैक्सेस। एज यू नो अ टैक्स इज ए स्पेशल पेमेंट। टैक्स एक स्पेशल पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनी हुई है। एंड टैक्सेस आर डिफरेंट टाइप्स, टैक्स डिफरेंट टाइप के हैं। टू एग्जांपल उसके आप पढ़ोगे इस बुक में। पीपल हु अर्न मोर देन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन अ ईयर पे अ स्पेशल टैक्स कॉल्ड अ इनकम टैक्स। जो लोग गवर्नमेंट ने एक फिक्स अमाउंट कर रखा है, एक अमाउंट फिक्स कर रखा है कि अगर आप वन ईयर में इससे ज्यादा अमाउंट पैसे कमाते हो तो आपको क्या करना होगा? टैक्स भरना होगा। और ऐसे टैक्स को हम कहते हैं इनकम टैक्स, अंडरस्टैंड। फिर कभी आप देखते होगे कि आप कभी व्हीकल से, मतलब बस से या कार से कहीं जाते हो तो रोड पे टोल टैक्स मिल देना पड़ता है, हमको पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसे टैक्स को हम कहते हैं रोड टैक्स।
पीपल हु ओन व्हीकल्स, जिनकी अपनी गाड़ियां होती है, लाइक कार्स और मोटर बाइक्स, पे अ टैक्स कॉल्ड अ रोड टैक्स। जिनकी अपनी गाड़ियां, कार, मोटर बाइक्स होती है, उनको टैक्स चुकाना होता है, और ऐसे टैक्स को हम कहते हैं रोड टैक्स। क्या हो गया? इनकम टैक्स एंड रोड टैक्स। देर आर मेनी अदर काइंड ऑफ टैक्सेस दैट द पीपल ऑफ इंडिया पे टू देयर गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट यूजेस दिस टैक्स मनी फॉर द वर्क दैट इट डज फॉर द पीपल। और ऐसे बहुत सारे टैक्स हैं जो कि इंडिया के जो पीपल है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं, और इसी पैसे का यूज गवर्नमेंट क्या करती है, हमको सर्विसेज प्रोवाइड करने में यूज करती है। अब जिस तरह से गवर्नमेंट हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, तो हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है कि वो जो सर्विस पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके प्रति हम क्या करें, अपना फर्ज निभाएं। वो क्या है? आवर ड्यूटी टुवर्ड्स पब्लिक प्रॉपर्टी एंड पब्लिक सर्विसेज। क्या क्या हम अपना काम कर सकते हैं गवर्नमेंट के प्रति? पार्क्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एंड अदर सच प्लेसेस आर ऑल पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या क्या है? पार्क्स है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, अदर सच प्लेसेस आर पब्लिक प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि आप इस बस में नहीं चढ़ सकते हो, आप इस पार्क में नहीं जा सकते हो, आप यहाँ रेलवे स्टेशन पे नहीं जा सकते हो, ऐसा कहीं नहीं होता, क्योंकि सभी लोग इंडिया में क्या है, इक्वल है, और सभी लोग इसका यूज शेयर करते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है? पब्लिक प्रॉपर्टी। क्या क्या? पार्क्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एंड बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जो पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है। They belong to all of us because our taxes help to build and look after this. और ये हमारे पास कैसे आती है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, टैक्स देते हैं, और वो टैक्स जब गवर्नमेंट के पास वो पैसे जाते हैं, तो उस पैसे का यूज गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने में, पार्क बनाने में, स्कूल बनाने में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन बनाने में यूज करती है। तो इट इज आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर ऑल पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको क्या करें, हम उसकी देख रेख करें। इट इज ऑल्सो आवर ड्यूटी टू ऑबे द रूल्स फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड। जो गवर्नमेंट हमें जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसके प्रति हम अपनी ड्यूटी निभाएं। फॉर एग्जाम्पल, वेन वी ट्रेवल बाई ट्रेन और बस, वी मस्ट बाई अ टिकट। एग्जाम्पल के आप तौर पर देख सकते हो कि जब भी आप ट्रेन से या बस से जाओ, तो गवर्नमेंट हमें ट्रेन और बस प्रोवाइड करा रही है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले टिकट कटाएंगे, टिकट लेंगे, खरीदेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे। एंड दिस इज व्हाट अ गुड सिटीजन डज। और जो एक गुड सिटीजन यानी अच्छा नागरिक होता है वो यही काम करते हैं। कुछ लोग तो बिना टिकट लिए जाते, तो वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के प्रति अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो एक गुड सिटीजन जो होगा वो टिकट लेगा तो ही ट्रैवलिंग करेगा। This money helps the government to run the train or bus services. और ये money government को help करती है train चलाने में, bus चलाने में, and people who travel without buying a ticket are using the service provided by the government, but they are not following the rules. Are they good citizen? अगर आप सोचो कि कुछ लोग बिना ticket की क्या कर रहे हैं, traveling कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो एक अच्छा citizen है, एक अच्छा नागरिक है? No, वो एक अच्छे नागरिक नहीं है। तो वी मस्ट ऑलवेज रिमेम्बर दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज, दीज आर आवर सर्विस, ये हमारी सर्विस है, हमारा काम है, एंड वी मस्ट हेल्प टू लुक आफ्टर देम। और हमें क्या करना है, इनकी देख रेख करना। ऐसा नहीं कि आप पार्क में गए, पार्क में गंदगी फैला रहे हो, हॉस्पिटल में गंदगी फैला रहे हो, बस में गंदगी फैला रहे हो, ट्रेन में गंदगी फैला रहे हो, नहीं, ये हमारी ड्यूटी। और जब हर पीपल, हर नागरिक सुधर जाएंगे, तो क्या होगी, हमारी कंट्री क्या हो जाएगी, नीट एंड क्लीन रहेगी, और ये हमारी कंट्री के लिए अच्छा रहेगा। तो आई रिपीट यू कि हमने पढ़ा कि इसमें कि गवर्नमेंट ने हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की है, और हमने टैक्सेस के बारे में पढ़ा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आप इसको रीड करना, नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ओके, थैंक यू।